शांति। हमारा ये साल जो 2023 है और बाबा का अव्यक्त मास भी चल रहा है, ये बाबा ने बहुत अच्छा किया। जो हमारा नया साल तपस्या से शुरू होता है और जहाँ तपस्या है वहाँ कोई समस्या ही नहीं, और बाबा की अव्यक्त बन के हमें भी बार बार यही कहते बच्चे, कोई भी व्यक्त भाव और व्यर्थ भाव में अपने मन को नहीं उलझाएं, हमेशा अव्यक्त फरिश्ता बने। बाबा का विशेष जनवरी मास में यही इशारा होता है, बच्चे मेरे समान फरिश्ता बने। तो हमें तो पूरे साल में, पूरी लाइफ में यही बुद्धि में रखना है कि फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है और अपने घर चलना है।